ओके बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक आज रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे पहले कौन सा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ओके तो उस दिन मैंने आपको जो जो चीजें बताई थी वो इतनी सी बताई थी कि आपको रिजर्व को क्लासिफाई करना है दो हिस्सों में एक है रेवेन्यू रिजर्व और एक है कैपिटल रिजर्व और वो सब एस्टिमेट के बेसिस पर होता है क्लासिफिकेशन किस तरह से करना होता है इसके बारे में हमने चर्चा की कि कौन सा रेशियो यूज करना वगैरह वगैरह ऑलराइट सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर डे वी डिड विच क्वेश्चन नंबर

टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड एज मा प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जैन टू थाउजेंड एंड इज दिन प्लीज राइट डाउन डेट ऑफ एक्विजीशन द कंसिडरेशन वॉज एग्रीड वन करोड़ सेवनटीन लैक बेस्ड ऑन द फर्म बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड एंड थर्टीन वो ये इस लाइन में क्या बोल रहे कि कितने में खरीदा तो खरीदा है एक करोड़ सत्रह लाख इसका हमारे चैप्टर के साथ या टॉपिक के साथ कोई लेना देना नहीं है क्या करें हम उसका ठीक है खरीदा खरीदा कोई दिक्कत नहीं एग्रीड आगे बढ़ते बेटा ड्यू टू सम प्रोसीजरल डिफिकल्टीज द कंपनी कुड बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एंड फोर्टीन मतलब बेटा जी तीन महीना प्री हो गया जैन फेब मार्च आगे मीन वाइल बिजनेस वॉज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड द कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड ऑन दैट डे विथ इंटरेस्ट एट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम उन्होंने क्या कहा कि हमने कंपनी को तो एक्वायर कर लिया कौन सी तारीख से एक जनवरी बट ये जो पेमेंट किया वो कब किया पेमेंट लेट किया और लेट किया तो बारह परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया ओके okay? और एक अप्रैल को पेमेंट किया ऐसा उनका बोलना है द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट वू आर कंटिन्यूड बाय द कंपनी विच क्लोज इट्स अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इज क्रूशियल थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन को हाईलाइट करिए डेट ऑफ एक्शन दिखाइए मुझे कौन सी है? One, one? One, one? 14 से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन कितने महीने हुए बारह या पंद्रह पंद्रह महीने तो बेटा जी तीन महीने प्री में जाएंगे और बारह महीने पोस्ट में जाएंगे समझ आ रही बात आगे प्रिपेयर द फॉलोइंग समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्होंने बनाया सीओजीएस रिमेंबर डू नॉट टेक इन एग्जाम सेल्स एंड सीओजीएस डिरेक्टली फर्स्ट कैलकुलेट द जीपी दैट इज ऑलवेज बेटर मैं आपको वापिस रिपीट करता हूं कभी भी इनको ऐसे डायरेक्टली बांटने की कोशिश मत करो जैसे ओपनिंग स्टॉक रहेगा किसमें बाटो के प्री या पोस्ट में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा किसमें बाटो के प्री या पोस्ट में तो सिंपल ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना क्या निकालना जीपी जीपी निकालने के बाद में जीपी किसमें बांट देना सेल्स रेशियो बताओ क्या चीज समझे ऐसा हो सकता है ना लबड़ा आपको ओपनिंग स्टॉक देंगे क्लोजिंग स्टॉक देंगे परचेसेस देंगे राइट अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इनको बांटने में दिक्कत आ सकती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स रिश्ते में बांट सकते हैं सीओजीएस बांट सकते हैं बट ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कैसे बांटेंगे इसलिए ट्रिक क्या है यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट जीपी फर्स्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट दैट जीपी नेक्स्ट सैलरीज टाइम रेशो डेप्रिसिएशन टाइम रेशो एडवर्टीजमेंट टाइम रेशो डिस्काउंट अलाउड न टेक विथ रेशियो एडवर्टाइजमेंट सेल्सोरी सॉरी भावनाओं में और चेक भी कर रहा था नहीं सोचा बट तुम सोच के बेटा जी ये कौन सा बेटा एमडीज रेमिनरेशन पोस्ट मिसलेनिज ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम ऑफिस कम शोरूम रेंट टाइम बोलो ना हा एंड बॉयज एंड गर्ल्स ये इंटरेस्ट टाइम टाइम रेशियो इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ऑन टाइम रेशियो इज ओ क्या अब एक बात पूछू गया डिस्काउंट शायद रह गया बता रहे थे सेल्स रेशियो वेरी गुड द कंपनीज़ ओनली बोरिंग वॉज अंडरलाइन दर्ट द कंपनी इज ओनली बोरिंग इस लाइन का मीनिंग क्या है दिस वॉज द ओनली बोरिंग मतलब दिस इज द सिंगल बोरिंग ऑफ कंपनी मतलब कंपनी का इसके अलावा बोरिंग नहीं कितना है फाइव

टोटल इंटरेस्ट कितना है नाइन लैख फिफ्टी वन थाउजेंड सो क्या समझ आता है आपको नाइन लैख फिफ्टी वन थाउजेंड नाइन फिफ्टी वन में से सिक्सटी थाउजेंड लेस कर देंगे तो कितना बच गया एट लैख नाइंटी वन थाउजेंड सो बेटा एट लैख नाइन्टी वन थाउजेंड विल गो इन वॉट टाइम रेशो। नहीं वाई टाइम रेशियो इट विल गो इन वॉट प्री यह जाएगा पोस्ट में क्योंकि कंपनी की सिर्फ बोरिंग थी पांच लाख तो बचा हुआ कहां जाएगा प्री में जाएगा ना सो so, बेटा जी 891 नाइन्टी वन विल गो इन वेयर प्री इसके ऊपर अपन और बात करेंगे इज दैट ओके यस सो बॉयज एंड गर्ल्स कैन वी नॉट गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ये बेटा मैंने फाइव लाख लिया फिफ्टी लैख आएगा यार तो ये कितना आएगा सिक्स लाख आएगा ये गड़बड़ हो गई इधर सो so, ये इधर सिक्स लाख लेस होगा तो थ्री लैख नाइन्टी वन थाउजेंड नाइन्टी वन नहीं कितना बेटा थ्री लैख थ्री लाख फिफ्टी वन थाउजेंड कहां जाएगा ये प्री ये 30 समझ में आया क्या इफ यू आर रेडी लेट मी नो कैन आई गो एट प्लीज टिक मार्क फर्स्ट एडजस्टमेंट हमको जमी द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल ऑफ द फर्म फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल फोर्टीन मतलब जैसे ही कंपनी बन गई तो सेल कैसे हो गए डबल दैलरी इज ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट मतलब सैलरी का आगे कितना हो गया तीन गुना हो गई इट है क्या है पहले जितना था उतना था इसके अलावा एडिशनल उस दिन भी हमने एक वर्ड देखा था क्या था देखो वो एडिशनल uh, सैलरी ऐसा वर्ड था एडिशनल मतलब जो पहले था वो तो था चार्ट के साथ समझेगा फ्रॉम फर्स्ट जुलाई फोर्टीन फॉर विच रेंट वॉज थ्री थाउजेंड पर मंथ प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिटवीन प्री एंड पोस्ट इन कॉर्पोरेशन पीरियड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर सच पीरियड ऑल्सो सजेस्ट हाउ द प्री इन कॉर्पोरेशन प्रॉफिट आर टू बी डेल्ट विथ इट विल बी ट्रांसफर टू वॉट सी आर दैट इज कैपिटल रिजर्व आई होप यूल हैन वी नॉट गो हेड एंड वॉट स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो उस दिन मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हम फॉर्मैट वर्टिकल बनाएंगे इज दट ओके एज पर द मोडिल सो लेट स्टार्ट पहले लिखते हैं माँ प्राइवेट लिमिटेड माँ प्राइवेट लिमिटेड है ना हाँ माँ प्राइवेट लिमिटेड और उसके अंदर क्या लिखेंगे स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या शोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर प्री एंड Post Incorporation Period Pre and Post Incorporation Period. Is that okay? Yes, so then I have got Pre okay. Post okay. Basis और उसके पहले टोटल ले लो टोटल और इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स तुम्हारे पास दो ऑप्शन है अभी तुम इधर यू कैन स्टार्ट विद द जीपी विच आई विल ऑलवेज रिकमेंड दैट ऑलवेज स्टार्ट विद द जीपी डोंट स्टार्ट विथ परचेस एंड ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक हालांकि सीओजीएस दिया है सीओजीएस को बांट सकते हैं हम बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा यू ऑलवेज स्टार्ट विथ वॉट जीपी सो फर्स्ट वन हम क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट वन लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इन द ब्रैकेट आईल इट आउट टू करोर थर्टी फोर लैक्स माइनस वन क्रोर सिक्सटी थ्री लैख एटी थाउजेंड कैन आई हैव द फिगर प्लीज सेवन लैक ट्वेंटी थाउजेंड सेवेंटी लैक ट्वेंटी थाउजेंड सत्तर लाख बीस हजार बेसिस सेल्स रेशियो है सो बेटा सेल्स रेशियो ऐसे या शॉर्टकट में लिख देते एस आर अब वो सेल्स रेशियो क्या होगा अभी निकालना बाकी है सो वी हैव एन कैलकुलेटेड एग्रीड मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई आइटम आएगा सो so, ये टोटल आ जाएगी और ये कितना आ जाएगा सेवेंटी लैख ट्वेंटी थाउजेंड और कोई अदर इनकम नहीं है ना नहीं फिर बेटा जी एज यूजल हम लिखते चले जाएंगे सैलरीज सैलरीज कितना है बेटा जी वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड सैलरीज के बाद में बेटा जी आपका आएगा डेप्रिसिएशन क्या बोल रहे बेटा क्या हो गया भैया आज मुझे दिख क्यों नहीं रहा इलेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड है डेप्रिसिएशन के बाद ए सॉरी डेप्रिसिएशन ये तो बराबर है ना वन लैख एटी थाउजेंड को। और फिर एडवर्टीजमेंट सेवन लैख टू थाउजेंड फिर डिस्काउंट सेवेंटी थाउजेंड और फिर एम डीज रेम्यूनोरेशन एम डीज रेम्यूनोरेशन इज नाइन्टी थाउजेंड फिर हम लिखेंगे ऑफिस रेंट नहीं एम डीज रेम्यूनरेशन के बाद मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस है मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस संतोष कैलकुलेटर है मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस कितना है बेटा जी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और फिर है ऑफिस कम शोरूम रेंट शोरूम रेंट इट इज सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और फिर है इंटरेस्ट इट इज नाइन लैख फिफ्टी वन थाउजेंड और तुम सबके पहले मैं टोटल ले रहा हूँ टू करोड़ फोर्टीन लैख एटी थ्री थाउजेंड देखा ना को सीखो कुछ मेरे से कितना फास्ट टोटल लिए है डन यहां तक आ जाओ लिख कर अरे छोरी तू तो टोटल ले रही नीचे दी हुई है ना थोड़ा सा भरोसा रखा कर यार एग्जामिनर पर ले भाई तू तो टोटल ले बेटा कोई दिक्कत नहीं शेल आई स्टार्ट डुइंग द वर्किंग नोट्स ये सो पहली वर्किंग नोट सेल्स रेशो पहले टाइम रेशो लिख देंगे क्या टाइम रेशो टाइम रेशो कैन आई नॉट से वन वन फोर्टीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन थ्री मंथस ये कहाँ जाएगा प्री और बेटा जी वन फोर फोर्टीन

नंबर ऑफ मंथ तीन महीने और इधर कितने महीने बारह क्या आपको बात समझ आती है फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे सेल्स प्री में वन है सेल तो पोस्ट में सेल हो गया डबल टू सो रेशियो बनेगा थ्री इंटू वन दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी सो ए इंटू बी टी एंड ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर सो द रेशियो बिकम्स थ्री टू इज नथिंग बट वन इज सेल्स रेशियो इज इग्वल टू वन इज टू एट राइट आफ्टर सेल्स रेशियो यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट सैलरी सैलरी के लिए भी सैलरी ट्रिबल्ड बोला है ना hmm. तो सैलरी का भी सेम होएगा बेटा पहले नंबर ऑफ मंथ्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे सैलरी कितनी थी तो वन और तीन देख लो सैलरी ट्रिबल कब से हुई है फ्रॉम द सेम डेट है क्या okay. उन्होंने बोला बट द सैलरी इज ट्रिबल्ड फ्रॉम दैट डेट एंड दैट डेट इज फर्स्ट अप्रिल सो बेटा क्या मैं लिखू सैलरीज रेशो सैलरीज रेशो सो अगेन आई राइट डाउन प्री पोस्ट नंबर ऑफ मंथ्स नंबर ऑफ मंथ्स कितना लिखेंगे वन एंड ए वन रे थ्री 12. और सैलरी का स्टेटस पहले वन था तो इधर कितना ट्रिबल थ्री सो इट वि थ्री इज टू थर्टी सिक्स रेशियो इज वन इज टू ट्वेल्व डू एल एप्रिशिएट फ्रेंड्स ये वन इज टू ट्वेल्व बाद आपका नेक्स्ट वर्किंग नोट दिया गया है दैट इज अबाउट द रेंट बट रेंट के साथ वर्ड क्या है एडिशनल स्पेस फ्रॉम फर्स्ट जुलाई सभी बच्चों का ध्यान इधर अभी क्योंकि ऐसा वाला वर्किंग नोट कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूं सो ऑफिस रेंट ऑफिस रेंट क्या आप मुझे फिगर बता सकते हो कितना है इट इज सेवन लैक ट्वेंटी थाउजेंड मैं इसको डालू ब्रैकेट में और उसमें से मैं दो लिखता हूं पहला वाला एडिशनल एडिशनल रेंट From what date, my dear friend? Please check the date. July. First July 14. beta एक जुलाई से लेकर 31 march मार्च 9 नौ महीने होते kya क्या देख लो जुलाई september october अक्टूबर नवंबर jan feb march मार्च months aur और additional rent kitna कितना है ji जी यह एडिशनल रेंट था थर्टी थाउजेंड पर मंथ सो कैन आई नॉट से थर्टी थाउजेंड इन नाइन

लैख सेवेंटी थाउजेंड फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम रेशियो यस और नो सो टाइम रेशियो कितना था बेटा आपने ऊपर टाइम रेशियो निकाला था वन इज टू फोर वन इज टू फोर सो प्री एंड पोस्ट सो कैन आई नॉट से फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड इन टू वन बाय फाइव नाइन्टी थाउजेंड एंड फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड इन फोर बाय फाइव थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड दिस व्हाट दिस इज पोस्ट एंड दिस इज व्हाट प्री हैप्पी क्या क्लियर हुआ क्या मैंने क्या क्या स्टेप किए टोटल रेंट लिखा रेंट में से जो एडिशनल है पहले हमेशा एडिशनल निकालो मतलब बाकी का पूरा नॉर्मल मिल जाएगा नॉर्मल मिलते ही फिर उसको रेशियो में डिवाइड कर दो टाइम रेशियो में हैपी तो कर लीजिए इसको दिस इज वर्किंग नोट नंबर थर्ड है ना सैलरीज दिस इज फोर्थ ये फोर्थ है फोर्थ फोर्थ के बाद में नेक्स्ट कौन सा है? चले भी आगे एक और करते हैं इंटरेस्ट की फिफ्थ इंटरेस्ट ठीक है तो हम क्या लिखेंगे कंपनीज ओनली बोरिंग फिफ्टी लैक्स सही है देयर फॉर इंटरेस्ट फॉर पोस्ट incorporation, पोस्ट पीरियड इज इक्वल टू फिफ्टी लैख इंटू ट्वेल्व परसेंट इंटू ट्वेल्व बाय ट्वेल्व क्योंकि कंपनी का पीरियड बारह बाय बारह था और इंटरेस्ट रेट आपको एनुअली दी जाती है सो so बेटा जी ये आपने मुझे बताया छह लाख सो बेटा जी जाहिर सी बात है प्री इनकॉरपोरेशन इंटरेस्ट इनकॉरपोरेशन पीरियड इंटरेस्ट इजिकॉल टू लॉजिक क्या बनेगा बेटा जी नाइन लैख फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स लैख कितना आ जाएगा थ्री लैख फिफ्टी वन थाउजेंड डन बी क्विक प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा होना चाहिए बिल्कुल तुम्हारे चेहरे के जैसा अब तुम सोच लो कैसा है जैसे अपनी शादी में तैयार हो गए उतना सुंदर ये दिखना चाहिए जय माता दी हो गई सर इधर वांदे है सर पूरे ये बाहुबली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आ गया सर मान रही नहीं है सर ना वट इज द सेल्स रेशियो सेल्स रेशियो क्या है ट अब मैं उतना ही लिखूंगा सैलरीज का वर्किंग नोट वर्किंग नोट के हिसाब से कितना कितना डाला था भाई बता दो यार कितना बता रहे थे वन इज ट्वेल्व ना ओ सॉरी वर्किंग नोट की वन इज टू ट्वेल्व लिख देंगे सो वन इज टू ट्वेल्व और वर्किंग नोट का रेफरेंस टाइम रेशियो क्या है बेटा जी वन इज टू फोर एडवर्टीजमेंट वन इज टू एट डिस्काउंट वन इज टू एट एम डीज रेमरेशन पोस्ट मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो वन इज टू फोर और ऑफिस कम शोरूम रेंट वर्किंग नोट वर्किंग नोट एंड इंटरेस्ट वर्किंग नोट अब बस आपके हवाले है कर कर बता दो ए बाबा बॉम गिराती है क्या नलायक क्या गिराया क्या वैसे तूने राम कितना डर गया मैं प्रीमियम कितना आ रहे है भाई पहले वाला जीपी सेवन लैख एटी थाउजेंड सिक्सटी टू लैख फोर्टी थाउजेंड टोटल ले लिया मैंने सेवन लैख एटी थाउजेंड और सिक्सटी टू लैख फोर्टी थाउजेंड सैलरीज रेशियो है वन इज टू ट्वेल्व नाइन्टी थाउजेंड बेटा टेन लैख एटी थाउजेंड वेरी गुड और वन लैख एटी थाउज़ेंड डिवाइड बाय फाइव इन टू वन थर्टी सिक्स थाउजन वन लैख फोर्टी फोर थाउज़ेंड फिर सेवन लैख टू थाउजन कितना बेटा सेवेंटी एट थाउज़ेंड और सिक्स लैख ट्वेंटी फोर थाउज़ेंड ओके बॉयज अँड गर्ल्स गो हॅड वन लैख थर्टी थाउजेंड एंड वन लैख टेन लैख फोर्टी थाउजेंड वेरी गुड गुड़िया ये आएगा पोस्ट में ना नाइन्टी थाउजेंड और वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन इज टू फोर ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड नाइन्टी सिक्स थाउजेंड बेटा ये नीचे वाला बता दे सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का नाइन्टी थाउजेंड एंड सिक्स लैख थर्टी थाउजेंड फिर इंटरेस्ट प्री का सिक्स लाख कितना है झूठी पोस्ट का छह लाख याद आ रहा है मुझे फिफ्टी लाख इंटू किया था थ्री लाख फिफ्टी वन थाउजेंड जनता माफ नहीं करेगी बेटा मुझे मत बता जनता माफ नहीं करेगी मैं पहले ही बोल रहा हूं टोटल बता सकते हैं आप मुझे कितना आता है नाइन्टी थाउजेंड प्लस थर्टी प्लस सेवेंटी प्लस वन लैख थर्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस नाइन्टी थाउजेंड प्लस थ्री लाख फिफ्टी वन थाउजेंड दैट टर्न्स आउट टू सेवन लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड इज इन ये बी आया ना बेटा ये ए आया सो ए माइनस बी राइट सो सेवन लैख एटी थाउजेंड माइनस सो कितना आएगा नाइन्टीन थाउजेंड तो बेटा जी नाइनटीन थाउजेंड जनरली जाता है कहाँ पे? गुडविल क्योंकि अगर लॉस आया तो गुडविल में जाएगा हाँ या ना एक्सपेंस का टोटल सेवन नाइनटी नाइन है तू कर कर देख वैसे मुझे मेरे टोटल पर जनरली डाउट नहीं होता है, नहीं का है। क्या बोली तू समझी क्या का ये नहीं है बोल रही है क्या वो तो मैंने कॉपी किया है उधर से मुझे नहीं पता थर्टी सेवन लैख फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ना आप बताओ इसका कितना आएगा सिक्स लैख ट्वेंटी फोर नहीं सॉरी सिक्सटी टू लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस थर्टी सेवन लैख फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इट इज ट्वेंटी फोर लैख नाइन्टी सेवन सिक्स हंड्रेड हाँ या नहीं ये कुछ झोलोगे इसमें कौन सा ये वाला बोल रही क्या तू हाँ। अरे ये छोड़ना रे भाई ये गलत आ रहा है कुछ ये वाली टोटल कुछ गलत आ रही है फोर्टी थ्री लैख फोर थाउजेंड तो ये कितना आ रहा है सिक्सटी टू लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस फोर्टी थ्री लैख फोर थाउजेंड सो ये आना चाहिए नाइनटीन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड और ये कहाँ जाएगा पी एंडल अकाउंट अब आंसर बिल्कुल सही है सो नाइनटीन थर्टी सिक्स ये जाएगा हमारा जाएगा जाएगा पी एंडल अकाउंट और नाइन्टीन थाउजेंड ये गुड है टेक ऑन टाइम बट डू इट करेक्टली बेटा ऐसा नहीं करेगी फॉर्मेट आगे से जगह छूट जाएगी चलेगा एक पेज पर करने का और सुंदर करने का न आई प्रोसीड है टोटल गलत है ये टोटल होनी चाहिए जो भी होनी चाहिए आप लिख दियो ये दोनों की टोटल है यह कितनी बता रही बता दे भाई फिफ्टी वन लैख थ्री थाउजेंड सॉरी सही बता रही ना ऑल राइट नाउ यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द्वेश्चन नंबर टू एंड दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर

अच्छा सैलरीज विच रेशियो बेटा टाइम जल्दी जल्दी बोलो रहे नलायको भरत में आओगे इधर टाइम स्टेशनरी टाइम ट्रेवलिंग टाइम एडवर्टीजमेंट सेल्स मिसलेनियस ट्रेड सेल्स किसने बोला टाइम रेंट टाइम इलेक्ट्रिसिटी टाइम डायरेक्टर फी पोस्ट बैड डेट सेल्स कमीशन ऑन सेल्स सेल्स टैक्स ऑडिट फीस टैक्स 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 झापड़ 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 ना लाइक सेल्स बेटा मैंने बताया था कि कंपनी ऑडिट पोस्ट स्टेच्यूटरी ऑडिट पोस्ट टैक्स ऑडिट इज बेस्ड ऑन टर्न ओवर ना हाँ बोला पोस्ट 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 झापड़ झापड़ झापट कहा जाएगा डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट इंटरेस्ट पेड टू एंडोर टाइम रेशो टाइम रेशियो नाइट टाइम रेशो में क्योंकि कब पे किया हमें नहीं पता नीचे लिखा हो रहेगा उसके बेसिस पर कौन से पीरियड में सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स डेप्रिसिएशन टाइम नेट प्रॉफिट को बांटने वाले काला बाबा पकड़ ले जाएगा जीपी विच सेल्स रेशियो ओके झंडुबाम आगे आ जा टोटल सेल फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू नाइनटीन लैक ट्वेंटी थाउजेंड अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ थर्टी नाइन टू थाउजेंड थर्टीन देअर आफ्टर दिस पर्टेड टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज ऑफ टू थर्ड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर प्लीज फोकस एंड राइट डाउन मंथली वर्ड इज मिसिंग हर बार एवरेज मंथली वर्ड होता था उन्होंने एवरेज मंथली वर्ड यूज किया क्या नहीं मंथली वर्ड इज मिसिंग दे आर से तीस सेप्टेंबर तेरह तक इवनली हुआ और उसके बाद में इंक्रीज हो गया धड़ाम से कितना टू थर्ड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर तो इसको कैसे सॉल्व करने का मैं बताऊंगा आपको डोंट वरी इज ओके राइट आगे बढ़ते रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग पेड पर पर मंथ मंथ अप टू एंड आफ्टर इट बाय उसके बाद में चार सौ रुपया बढ़ गया हर महीना मतलब नॉट एवरी मंथ फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड इंक्रीज हुआ फोर हंड्रेड पर मंथ इंक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे चार्ट में कर लेंगे आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड फोर थाउजेंड एट हंड्रेड टूअर्ड सेल्स प्रमोशन तो बेटा इधर आ जाओ ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने लिखा है ना टाइम एंसर्कल करो सिक्सटीन एट हंड्रेड वाला फिगर गलत है सिक्सटीन एट हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तो कितना बारह हजार लिखिए बारह हजार और सेलिंग एक्सपेंस ये कितना डाल दो फोर थाउजेंड एट हंड्रेड और रेशियो में जाएगा सही है ना एडजस्टमेंट so, डी हो गया नाउ नेक्स्ट डेप्रीसिएशन इंक्लूड अंडरलाइन दर्ड इनक्स हंड्रेड फॉर अक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड और इस डेप्रिसिएशन के बारे में लिख लीजिए एडजस्टमेंट में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है सिक्स हंड्रेड कहां पर जाएगा पोस्ट परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन थर्टी सप्टेंबर बायूंग इक्विटी शेयर ऑफ टेन इंच सो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल इसको भी पेंडिंग रखते विदर्किंग नोट आई डू इट इज दट ओके यस सो पहला हम इसको फॉर्मेट बनाकर रेडी कर लेंगे और फॉर्मेट बनाकर हम क्या करेंगे जो जो भी डिटेल्स दी वो सारे प्लॉट कर देंगे फिर जब सेल्स रेशो अगर बनाने की बारी आएगी तब हम देखेंगे क्या करना है इज दैट ओके सो बताइए स्टेटमेंट क्या लिखू मैं बस तुम्हारे लिए थोड़ा रंग बिरंगी लिख रहा हूं स्टेटमेंट ठीक है ओके स्टेटमेंट शोइंग Statement showing calculation of profit or loss, statement showing calculation of profit or loss for pre and post incorporation periods. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर प्री एंड पोस्ट इन कॉरपोरेशन पीरियड तो बेटा जी हमारा आएगा पर्टिकुलर्स टोटल बेसिस प्री एंड पोस्ट लाइन्स ड्रॉ करके रेडी रख लीजिए ठीक शुरुआत में हमें क्या क्या लिखना है जो जो डिटेल्स दिए हम पहले वो लिख देंगे क्या सो क्रेडिट साइड में एक ही आइटम है और उसका नाम है जीपी तो हम पहला हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आई राइट डाउन थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड और इस सेल्स रेशियो में आएगा फिर मैंने टोटल ले ली थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड फिर बेटा जी मुझे लिखना है सैलरीज फोर्टी एट थाउजेंड फिर मुझे लिखना है स्टेशनरी स्टेशनरी आई राइट डाउन फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फिर बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंस सजग होकर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आई राइट डाउन ट्वेल्व थाउजेंड ओनली एंड आई राइट डाउन सेल्स प्रमोशन याद है ना ये हमने क्लासिफाई किया था सेल्स प्रमोशन 4,800 उसके बाद है एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट हैपन्स टू बी 16,000 और एडवर्टीजमेंट के बाद में मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इट हैपन्स टू बी 37,800 देन यू हैव गॉट रेंट रेंट इज ट्वेंटी सिक्स फोर हंड्रेड एंड देन यू हैव गॉट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज हाउ मच फोर थाउजेंड टू हंड्रेड डिरेक्ट्रस फीस डिरेक्ट्रस फीस इट इज ग्यारह दो सौ उसके बाद में बेड डेट्स 3,200 and then commission. Commission is 16,000. After commission, you have got tax audit fee, it is 6,000. Then you have got debenture interest. इट इज थ्री थाउजेंड एंड देन यू हैव गॉट इंट्रेस्ट टू एंड और इट है टू बी हाउ मच फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेलिंग एक्सपेंस ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड एंड डेप्रिसिएशन 9600 और इसके बाद क्या 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 सेल्स प्रमोशन ले लिया और ये आ जाएगा थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड ऐसा उनका बोलना है ठीक है कैन वी नाउ स्टार्ट डूइंग द वर्किंग नोट राइट फास्ट छोरी नहीं तो खाया पिया कर थोड़ी सा ग्रीस लगा के आया कर हाथों को चाहिए एकदम फास्ट ठीक है अभी वर्किंग नोट शुरू करेंगे क्या यस yes, एक दो लाइन छोड़ देना फिर वर्किंग नोट नंबर वन जनरली वर्किंग नोट नंबर वन शुरू होगी टाइम रेशियो से सो टाइम रेशियो में लिख दूंगा डेट आएगी कब से कब एक्वायर किया एक चार दो हजार तेरह से लेकर इनकॉर्पोरेशन कॉरपोरेशन कौन से डेट वन एट थर्टीन इट टर्न्स आउट टू हाउ मेनी मंथ्स फोर मंथ और दूसरा कौन सा है बेटा जी एक आठ तेरह से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन इट इज एट मंथ सो द रेशियो इज वॉट वन इज टू टू प्री एंड पोस्ट द रेशियो इज वन इज टू टू हैपी नाउ बॉयज एंड गर्ल्स यू नीड टू कैलकुलेट वॉट सेल्स रेशियो इफ यू रेडी लेट मी नो सेल्स रेशियो सेल्स रेशियो सभी का ध्यान इधर सेल्स रेशियो ठीक है पूरी क्लास का ध्यान इधर और एग्जाम में थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाने के लिए क्रिएटिव रहो नो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन क्रिएट योर ओन वर्किंग नोट कैन आई नोट से जो डिटेल्स उन्होंने दिए उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि सेल तीस नो तक इवनली आया था थर्टी नाइन थर्टीन तक द सेल वॉज इवन एग्रीड सो बेटा जी मैं आपसे यह पूछता हूं इधर हमारा जो इनकॉर्पोरेशन डेट था वो ये था क्या वन फोर थर्टीन मतलब एक्विजिशन डेट सॉरी और वन एट थर्टीन तक यही बात चली ये वाला पीरियड प्री माना जाएगा क्या ओके okay, तो क्या मैं इधर सेल अगर इवन ली है तो कितने महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तीस सितंबर मतलब छह महीने सो अगर इवन ली तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या वन सेल हर एक महीना हुआ होगा एक सेल हर एक महीना हुआ होगा एग्रीड तो क्या बेटा जी मैं ये बोल सकता हूं क्या प्री वाले पीरियड में वन इंटू फोर मंथ आया होगा नहीं? और पोस्ट में जो यहां से यह पीरियड शुरू हो रहा है, है नहीं? इस पीरियड में सेल कितना था वन इंटू टू क्योंकि छह महीने का पीरियड है तो यह तो दो है बट अपने को और आगे का भी डिटेल चाहिए यह वाला भी नो यह कब तक जाएगा यर एंड थर्टी मार्च फोर्टीन बेटा और कितने महीने रहे छे सो so, बेटा जी कैन आई नॉट से सिक्स इन टू वन एग्रीड प्लस टू बाई थ्री छ महीना बचा हुआ उसका रेगुलर सेल है वन और उसमें हम जो भी है इसका टू थर्ड और ऐड कर देंगे क्योंकि देर इज अ स्पर्ट ऑफ हाउ मच टू थर्ड सो इट विल बिकम सिक्स प्लस टू बाई थ्री दैट इज नथिंग बट या फिर एक काम करते ना भाई इसको ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो वन इंटू टू बाई थ्री कर कैन आई नॉट से छ महीना इंटू वन पॉइंट सिक्स 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 सेल हुआ था आ, नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी नो नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी नो नहीं आ रहा है आ, समझ में आया कि नहीं है आ, अगर नहीं आ रहा है तो देखो पहले सेल कितना था बेटा हमने कितना माना वन सो वन का टू थर्ड इंक्रीज हो गया सो वन प्लस टू बाय थ्री सो थ्री वन जा थ्री प्लस टू फाइव फाइव बाय थ्री नलाई को कितना आ गया वन पॉइंट सिक्स 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 यह महीने का सेल हुआ क्या नहीं हुआ और जो ये नहीं समझ में आ रहा है तो और एक तरीका है वन इंटू सिक्स ये नॉर्मल सेल है क्या प्लस टू बाय थ्री तो इसका आएगा सिक्स प्लस टू बाय थ्री इसका आंसर आएगा थ्री सिक्स एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइड बाय थ्री शर्म आती है मुझे ऐसे सिखाते वक्त <laughs> कितना आता है सिक्स पॉइंट सिक्स 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 से खरबूजे इसको अगर और अच्छे से बताऊं तो क्या रेशियो हो गया ये ये फोर और ये टू प्लस सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स मतलब कितना बोलूंगा एट पॉइंट सिक्स 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 बोलो भाई हां कुछ गौरबर हो गई क्या क्या मुझे भी गड़बड़ लग रहा है नहीं नहीं ये गड़बड़ हो रही है ये मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यार ये डायरेक्टली वन सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स करो नार तो मतलब टेन पकड़ लूँ क्या हाँ, हाँ। प्लीज यार मत तंग करो यार मैथ्स में प्लीज हाँ। मैथ्स से पहले डर लगता है मुझे ये दस क्यों क्योंकि मैंने एक को कितने से बढ़ा दिया टू थर्ड से बराबर है ना हाँ राजा बाबू कितना आ जाएगा ये वन इज टू फोर फोर आएगा क्या और ये टू प्लस टेन सो फोर इज टू ट्वेल्व ये तो आपको समझाने के लिए किया बट अब मैं ऐसे नहीं करूंगा अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा प्री और पोस्ट पीरियड का बताऊंगा हाँ है ना सो so, लिख लीजिए सेल्स रेशियो कैसे निकालोगे एग्जाम में प्री वो भी लिखना है जल्दी से लिख गुड़िया।

राइट right, ये लिख लीजिए सेल्स रेशियो अभी थोड़ा सा कैसे लिखेंगे सेल्स रेशियो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो मैं लिख रहा हूं बराबर से देख लेना पहले अगर समझ में आया तो वन इंटू फोर इज इक्वल टू फोर आप वन एक्स भी लिख सकते हो इंटू फोर वन एक्स इंटू फोर फोर आया और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड अच्छा इधर डेट लिखेंगे एक चार कौन सा था बेटा एक चार तेरह से तो ते लेकर ते तो ते एक आठ मतलब थर्टी फर्स्ट सेवन थर्टीन सॉरी लिखा गया मैंने चार महीने इसीलिए चार आ गया और मैंने सेल पकड़ा कितना वन पर मंथ ना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड पूरी क्लास का ध्यान इधर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड दो टुकड़ों में बटा हुआ है आई नॉट राइट डाउन वन एट थर्टीन टू थर्टीएथ सेप्टेंबर थर्टीन एंड इट शेल बी वन इंटू टू टू प्लस और एक पीरियड आएगा वन टेन थर्टीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन ये सॉर नो ये कैसे आएगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन इंटू सिक्स तो कितना आ जाएगा टेन तो बेटा जी पोस्ट का हो जाएगा ट्वेल्व रेशो बन जाएगा सेल्स रेशियो फोर इज टू ट्वेल्व विच इज नथिंग बट वन इज टू थ्री से यस बॉयज एंड गर्ल्स करने यार जल्दी कितना सता रही है कर जल्दी से कर देगी तू जल्दी कर ले मेरे साथ ये लाइक डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स ओके सो डेप्रिसिएशन इज नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये देखो मैं क्या कर रहा हूं असेट परचेस्ड ड्यूरिंग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से यस उसका डेप्रिसिएशन कितना दिया सिक्स हंड्रेड हाई नहीं अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि बचा हुआ प्री है तुम गलत सोच रहे हो क्योंकि जो असेट पहले से मौजूद है उसका भी तो डेप्रिसिएशन पूरा एक साल भर का गया होगा सो दिस डेप्रिसिएशन इज ओनली प्रोपोर्शनल टू पोस्ट मतलब जो पोस्ट में खरीदा उसका तो पोस्ट में आएगा और बैलेंस असेट का डेप्रिसिएशन कितना आएगा नाइन थाउजेंड यह सोचना कि सिर्फ ये प्री में जाएगा गलत होगा इट विल गो इन टाइम रेशियो प्री एंड पोस्ट एंड कैन नॉट राइट डाउन टाइम रेशियो क्या बेटा वन इज टू टू थ्री थाउजेंड एंड चुप झूठी थ्री थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड और ये कितना सिक्स हंड्रेड इट विल गो इन वॉट पोस्ट इफ यू हैव डन सो फार कैन वी गो हेड रेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि रेंट yeah, का क्या एडजस्टमेंट ठीक है रेंट का कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं शेल रेंट हो गया ना ये अब लिखते हैं हेडिंग रेंट रेंट कितना है बेटा जी ट्वेंटी सिक्स तो इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में उन्होंने क्या लिखा है रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज 2000 पर मंथ अप टू सितंबर 2013 एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज बाय 400 पर मंथ तो क्या मैं बोल सकता हूं एडिशनल सो कैन आई नॉट से 400 पर मंथ इनटू कितने महीने बेटा जी सितंबर के आगे अप टू सितंबर के आगे मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च इनटू सिक्स मंथ्स इट टर्न्स आउट टू हाउ मच 2400 ये कहाँ जाएगा बेटा पोस्ट अब बेटा जी ये कितना आ गया 24000 फोर हाँ या नहीं ये कौन सा रेशियो में जाएगा टाइम रेशियो बोलो ना हाँ क्योंकि नॉर्मल वाला है ना भाई तो ये दो हिस्सों प्री पोस्ट तो बेटा प्री में कितने महीने है ट्वेंटी इंटू कितना महीना है भाई वन बाय टाइम रेशो निकाला था ना वन बाई थ्री थ्री रे वन बाई थ्री लेगा कि देख <laughs> होशियारी तो है ऐसे नहीं होती बेटा शादी है ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंटू टू बाई थ्री कितना है बेटा एट थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड ऑल राइट So, तुम्हारे प्री में 8000 और पोस्ट में 16 प्लस 2400 थाउजेंड इज 18400 मुझे नहीं लगता इसके अलावा हमें कोई वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी इंटरेस्ट टू वेंडोर की जरूरत पड़ेगी इंटरेस्ट टू वो इंटरेस्ट टू एंडोर आई टेक केयर ऑफ इट नॉट अ बिग डील ठीक है चलो इंटरेस्ट टू एंडोर भी कर लेते हैं और आप फुर्ती से लिखो रहे भाई ठीक है मत लिखो कुछ हो गया मैं मुझे मत बताना इंटरेस्ट टू एंडोर धीरे 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 लिखेंगे चार घंटे मिलेंगे पेपर लिखने को प्लस इंटरेस्ट टू एंडोर बेटा इंटरेस्ट टू एंडोर कितना है बेटा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड यह मैं इन द ब्रैकेट लिखूंगा इंटरेस्ट का मीटर तब तक ही चालू रहेगा जब तक की पेमेंट नहीं हो जाएगा सो कैन आई नॉट राइट डाउन पेमेंट डन ऑन पेमेंट हो गया पेमेंट डन ऑन 30th सितंबर, 13, hmm. हा या नहीं <coughs> हो नहीं मेरे भाई uh -huh. तो बेटा जी इधर प्री और इधर पोस्ट प्री में कितने पीरियड थे बेटा चार महीने फोर मंथ और पोस्ट में कितने महीने हो गए थे आई बिलीव 30th सितंबर, अगस्त सितंबर, टू मंथ्स हाँ या ना सो uh -huh. so, बेटा जी चार हजार दो सौ डिवाइड बाई छ टू चार इट विल टर्न आउट टू टू थाउजेंड एट हंड्रेड और इधर कितना आ जाएगा वन थाउजेंड फोर हंड्रेड क्रिएटिव बन गुड़िया खुद से लिखने का नहीं तो कॉपी करने का इतना बिकम क्रिएटिव शल यू ओके चलो आ जाओ अभी वर्किंग नोट खत्म हो गई अभी पहले जीपी सेल्स रेशियो क्या निकला था बेटा सेल्स रेशियो वन इज थ्री बेटा सैलरी टाइम रेशियो वन इज टू टू स्टेशनरी वन इज टू टू ट्रेवलिंग एक्सपेन्स टू टू सेल्स रेशियो वन इज टू थ्री अरे मेरा रिवीजन चल रहा है तुम्हारा नलाय को वन इज टू थ्री वन इज टू टू रेंट वर्किंग नोट इलेक्ट्रिसिटी वन इज टू थ्री श्योर ना सॉरी टू 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 फॉर्म में मदंड पोस्ट बैड डेट सेल्स रेशियो वन इज टू थ्री कमीशन वन इज टू थ्री क्यों कमीशन किस पर है कमीशन ऑन सेल्स सो वन इज टू थ्री ऑडिट फीस वन इज टू थ्री डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट इंटरेस्ट टू और वर्किंग नोट या वन इज टू टू सेलिंग एक्सपेंसेस वन इज टू थ्री और डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट सो थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई फोर इंटू वन इट इज एट्टी थाउजेंड एंड टू लैख फोर्टी थाउजेंड टोटल ले ली मैंने हाँ हाँ क्यों क्या प्रॉब्लम है ऐसा मत है करो ना फिर अगर तुमको जाना रहता है तो नो इट्स नॉट करेक्ट यू कैनॉट लीव इन द मिड ऑफ द क्लास दैट फाइन बट आई एम गेटिंग डिस्टर्ब इन द रिक्डिंग डू अंडरस्टैंड दैट टू फोर्टी फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री सिक्सटीन थाउजेंड चुप झूठी नहीं सॉरी सॉरी 32,000. टू थाउजेंड गलत तू सही फोर थाउजेंड एट हंड्रेड डिवाइड बाय थ्री इज इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाय थ्री फोर थाउजेंड एंड एट थाउजेंड 4,800 डिवाइड बाय थ्री चुप झूठी 1,600 एंड कुछ गलत किया मैंने ए 1,200 छोरी बराबर बोल रही मैंने गलत किया 1,000 थाउजेंड टू थ्री डिवाइड बाय चार 4,000 एंड फिर थर्टी सेवन एट हंड्रेड डिवाइड बाय थ्री कितना ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड वेरी गुड बेटा रेंट नीचे ज़रा देख कर बता दो प्री में कितना था श्योर है sure. प्री में एट थाउजेंड और पोस्ट में था एटीन फोर हंड्रेड प्री में एट थाउजेंड और एटीन फोर हंड्रेड फिर चार दो सो डिवाइड बाय तीन इज इक्वल टू फोर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी एट हंड्रेड फिर ये तो ग्यारह दो सौ पोस्ट में है फिर थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइड बाय फोर एट हंड्रेड एंड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड और सिक्सटीन थाउजेंड डिवाइड बाय फोर फोर थाउजेंड एंड ट्वेल्व थाउजेंड फिर 6000 डिवाइड बाय 4 1500 एंड 4500 और ये जाएगा 3000 पोस्ट में अच्छा इंटरेस्ट ऑन वेंडर हमने कितना निकाला था प्री में 2800 2800 एंड 1400 इन पोस्ट 25200 डिवाइड बाय 4 6300 इन प्री एंड कितना एटीन नाइन हंड्रेड इन पोस्ट डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट के हिसाब से प्री में कितना है थ्री थाउजेंड प्री और पोस्ट है सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड किसने बोला थ्री थाउजेंड है ना डेप्रिसिएशन प्री में थ्री थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लीज टेक द टोटल पहले वाली टोटल तो मैंने ले ली एटी थाउजेंड और टू फोर्टी भी मैंने ले ली ये दो छोरी इतना फॉर्म में आ रही है एट थाउजेंड ना प्लस फोर्टीन हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड प्लस फोर थाउजेंड सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड बोल रही है छोरी है बराबर दूसरा है दूसरा रिप्लाई सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड कॉपी करने वाले बच्चों कभी माफ नहीं करेगी जनता दूसरे वाले का बता दो वन सिक्सटी फाइव टू हंड्रेड प्लीज चेक प्लीज चेक बेटा जी इधर जाएगा कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है बारह आठ सौ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेवेंटी फोर एट हंड्रेड टैली हो जाएगा हाँ नहीं? किया है कि ऐसे डायरेक्ट है गुड सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल वन लास्ट थिंग कि घर पर जाकर इसको रिवाइज कर, कर खत्म कर देना आज के आज ही सो दैट द थिंग्स आर ओवर इज दैट ओके सो विद प्रॉफिट प्रॉफिट टू इनकॉर्पोरेशन इज ओवर थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल